ये खबर सुनने के बाद आपको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि जिस तेजी से भारत तरक्की कर रहा है, हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे कई देशों की फॉरेन पॉलिसी में भारत के फेवर में बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन ने भारतीय कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया था, जिसके बाद भारत के आग्रह पर जर्मनी समेत 8 से 9 यूरोपियन देशों ने तो नेशनल लेवल पर कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया है। उसके बाद एक दिन पहले कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल ना देने पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत को बैक कर रहे थे, जिसके बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि रशिया ने भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे ये साफ पता चलता है कि अब वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है, फिर चाहे हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी कितनी ही वेस्टर्न देशों के साथ अलाइन क्यों ना हो जाए। रशिया की फॉरेन पॉलिसी में चाइना की तरह भारत की भी एक स्पेशल प्लेस हमेशा ही रहेगी। पिछले कुछ समय से रशिया और भारत के बीच पाकिस्तान को लेकर थोड़ा मन मुटाव चल रहा था, क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद ये दोनों देशों के संदर्भ में बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। दरअसल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। स्क्रीनशॉट पर आप देख ही रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है वो रशिया के नेशनल इंटरेस्ट और रशियन फेडरेशन की स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रायोरिटीज को दर्शाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके, यानी सुनिश्चित किया जा सके कि रशिया की नेशनल सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो लॉन्ग टर्म में पूरे हों। 44 पेज का जो ये डॉक्यूमेंट रशिया ने रिलीज किया है, आपको खुशी होगी ये जानकर कि रशिया ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में दो देशों के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने को अपना मेन गोल बताया है, और वो है भारत और चाइना। भारत और चाइना को लेकर इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है वो बताने से पहले आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें रशिया ने वेस्टर्न देशों पर ये आरोप लगाया है कि वो रशिया के ट्रेडिशनल अलाइज, जैसे भारत एक ट्रेडिशनल अलाई है, उनको रशिया से दूर कर रहे हैं। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली रशिया ने ये डॉक्यूमेंट तभी रिलीज किया है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका, ब्लैक सी में यूक्रेन और क्रीमिया के पास रशिया से उलझने की कोशिश ना करें। वरना जैसे इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, रशिया अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके साथ इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूएसए की करेंसी डॉलर्स का इस्तेमाल बहुत ही कम करेगा। नाटो देशों को फसाद का जड़ और रशिया के अग्रेसिव बिहेवियर का कारण बताते हुए रशिया ने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में नाटो देशों को वार्निंग भी दे दी है कि वो रशिया के बॉर्डर्स के पास अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दें। वहीं भारत और चाइना के संदर्भ में भी इसमें लिखा गया है, चाइना के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने और भारत के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने को एक टास्क बताया है। यानी भारत और चाइना इन दोनों देशों के साथ रशिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है, जिसको अपना एक गोल के तौर पर मान रहा है। खैर, रशिया डॉक्यूमेंट्स पर भारत को जितनी मर्जी प्रायोरिटी दे दे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि वो अब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये तो हमें भी पता है कि चाइना के साथ भारत को इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना रशिया की स्ट्रेटेजी और मजबूरी दोनों ही है, ताकि वो ये दिखा सके कि भारत और चाइना दोनों देश उसके लिए सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं। वही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रशिया अगर रियलिटी में भारत के साथ संबंध पहले जैसे रखे, फिर हमें उसके इस तरह के डॉक्यूमेंट में होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि किसके साथ संबंध मजबूत रखना भारत के लिए बेनिफिशियल होगा, अमेरिका या रशिया या फिर न्यूट्रल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।